मरियम ने कहा देखो
हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल,
இந்த பாட்டு முகப்ப அருள் புதுஸ் கிருபாக்கு ஷனாக்கு ஆப் சக்கை சாத்து उसी खुदा मेरे अजीज भाई और बहन आज हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें यह फजल अदा किया कि हम उसके अल्तार के गिर्द इकट्ठे होकर उसके नाम की शुक्र गुजारी करें। आज का लतूरी कलाम हमें सिखाता है कि हम किस तरह दूसरों की बदनीयती और बदकरदारी का सामना करें जब हमारे खिलाफ जो मनसूबे बनाए जाते हैं। खुदा कादर मुतलिक है, वो दिलों और गुर्दों को जाँचने वाला बाप है, हमें इन मुसीबत और दुख के लम्हात में हमेशा संभाले रखता है। अजीले मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह के बारे शायद नबी की पेशन गोई पूरी होती है कि मेरा खादम ना झगड़ा करेगा, ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, बल्कि वो गैर कौमों के लिए नूर होगा और मैं उसे अपनी रूह अता करूँगा और वो गैर कौमों पर अपना इंसाफ जाहिर करेगा। वह मेरे चीज़ों, आज हम भी खुदा बाप से इंसाफ और सुलह की और हलीमी और फरोतनी की रूह को मांगे ताकि हम हमेशा खुदा की वफादारी में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। हे हम अपने गुनाहगार भूमि का इकरार करें तक लाइफ वाजिब तौर पर हम आज की पाक माज के उस कुर्बानी में शामिल हों। मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैं अपने प्यारों को मेरे सिवा पालना किए हैं, इसलिए मैं हमेशा का सब फरिश्तों का कसूर हूँ और आप सबसे भी माफ़ सकता हूँ कि खुदा हमारी खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कदम कृप खुदा पर फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। है खुदावंद रहम करे, है खुदावंद रहम करे, है मसीह रहम करे, है मसीह रहम करे, है खुदावंद रहम करे, है खुदावंद रहम करे। हम दुआ मांगते हैं। है खुदावंद हमारी खुदा, है ताकत के जलील कुमारी मरियम की मुबारक दुआएं हमारी मदद का बायस रहे ताकि हम उसकी हिफाजत में रहकर मजबूत हो जाएं और उस चट्टान तक पहुंचे जिसे मसीह खुदावंद कहते हैं, जो तेरे साथ रूह कुदस के वरदान में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। उन पर अफसोस जो बदकारी के मनसूबे बांधते और अपने पलन पर शरारत की तदबीर ईजाद करते हैं, वो सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं क्योंकि ये उनके इख्तियार में है। वो लालच करके खेतों को जब्त करते हैं और घरों को छीन लेते हैं। वो आदमी और उसके मकान हामरत और उसकी मीराज पर जुलम करते हैं, इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख मैं इस नस्ल पर ऐसी आफत लाने की तदबीर करता हूँ जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे और तुम गर्दन कशी से ना चलोगे क्योंकि वक्त बुरा होगा। उस रोज़ तुम पर एक मिसल लाई जाएगी और एक पुरदर्द मर्जिया गाया जाएगा और कहा जाएगा कि हम बिल्कुल खराब हो गए हैं, मेरी उम्र का बिखरा बदल गया और मुझसे कैसे जुदा हो गया है। हमारे खेत बागी
کو بانٹ دیے گئے ہیں، اس لیے تیرا کوئی نہ ہوگا جو خدا کی جماعت میں نمائش کی ڈوری ڈالے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مرچے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹم ٹماتی
भक्ति को ना भूल जाएगा जब तक वो इंसाफ को पता ना पहुंचे और उसके नाम पर गैर मोमिन भरोसा रखेंगे। मुझे मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएंगे। मुझसे खुदा को मेरे अजीज भाई और बहनों अपने बच्चों बुजुर्गों आज की पहले तलावत में खुदा उन लोगों के बारे में बात करता है जो बुराई को अपनाते हैं, जो बद करदारी को अपनाते हैं। अब खुदा के कलाम में लिखा है उनके लिए अफसोस करता है। बुराई एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी फैलती है और मानुष को तो बाकी अच्छाई अभी किसी दूसरे इंसान तक नहीं पहुंची जो बड़ा बुरे शहर में फैल जाते हैं। जो बुराई की बात हो वो जल्दी फैलती है, वो जल्दी लोगों तक पहुंचती है, वो जल्दी लोग उसकी तरफ राघव होते हैं, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और इसी तरह की बुराई हमें अंजील मुकद्दस में मिलती है। जो फकीर फरीसी है वो हमेशा इसी बात के मुताबिक सोचते रहते हैं खुदा बेसोसी को कैसे अलाप करें, कैसे उसे दिख करें, कैसे ये जो अच्छाई को अपनाए हुए हैं, ये जो अच्छाई का साथी लगता है, ये जो अच्छाई को बांटता है, ये जो मोजज़ात करता है, ये जो लोगों को जिंदगी के बारे में बताता है, अब इसे मौत की तरफ लेके जाते हैं, अब इसे बुराई की सिफत में ले जाते हैं, हम इसे बुरा होने का चुनाव करते हैं। लेकिन मेरे सिसो खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में बाप की मर्जी को बुरा करना, बाप की अच्छाई को लोगों पर याद करना ये उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो हमेशा अच्छाई को खुशी के साथ, फराखदिली के साथ, मोहब्बत के साथ बांटता रहता है। और जब भी कोई उसके पास आता है वो कोड़ी को जिसे हाथ लाना नापाक था, वो बुरा समझा जाता था, वो उसे भी हाथ लगाकर हमारी जिंदगी में अगर बुराई जन्म लेती है, बुराई को अपनी जिंदगी में ले आते हैं तो हमारे रूप बार बार हमें उकसाती है। हम गलत समझ में आ रहे हैं, हम गलत रस्ते का चुनाव कर रहे हैं। हमें सदाकत को अपनाने की जरूरत है, सच्चाई को अपनाने की जरूरत है, सच्चाई में वफादार रहने की जरूरत है, सच्चाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। कहता है कि अगर तुम सच्चाई का चुनाव करोगे, सच्चाई के रास्ते को अपनाओगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज आए अच्छाई को लोगों को दे, अच्छाई बुराई का चुनाव करते हैं। तो आए हम उन माशे के अंदर एक दिए का किरदार अदा करें जो दूसरों को रोशन करता है, जो दूसरों को जिंदगी देता है। हमेशा ऐसे भी है कि जो बुरी जगह में जैसे छप्पड़ है जहां पर पानी तैर जाता है तो ये लोग उसे गंदा पानी समझते हैं, लेकिन वहां से भी अच्छाई वो पौधा जब भी है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है खूबसूरत। इसी तरह मेरे से जो हमने भी इस मार्ग में अपने आप को
खुदा यीशु मसीह की तरफ देकर अच्छाई को जन्म देना है, एक दिया बनकर आए दूसरों की जिंदगी में खुदा की मोहब्बत को, खुदा की सदाकत को और अच्छाई को कायम करने के लिए अपना अपना करदार अदा करें। मुझे खुदा के वसीले से ऐसे सो हम अपनी अर्जे लिखते फरियाद तमाम दरख्वास्तें जो आज हम खुदा यीशु के पास लाए हैं खुदा बाप के हुजूर में पेश करें, दुआ करते हैं अपने रूहानी चौपान पपायासत के लिए कि मेरे पास जिंदा खुदा हमेशा उनकी मदद बाप करें, अज़ीज़ दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं तमाम बेवड़ा जोड़ों के लिए, तमाम बीमारों के लिए, तो किसी भी तरह के दुख तकलीफ परेशानी में मुबतला है कि जलाल मेहमान खुदा तमाम बीमारों पर अपनी रहमत की निगाह करे और मुकदसबरियों की सिफारशात की बदौलत उन्हें उलाद और तमाम तरह की कमजोरियों बीमारियों व पाप से दूर करे। ऐसी सो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें ख़ासतौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो बात हमने दुआ के लिए कहते हैं, ख़ासतौर पर अपने भाई कैसर के लिए और अपने बुजुर्ग अबिश्रा के लिए। करीम खुदावंद उनकी सारी लाचारी को, दुख और मुसीबत को अपनी कुदरत को और शफा में बदले और उन्हें कामिल सेहत अता करें। अजीज लोग दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। पाक कलाम के लिए जो हम सब ने पढ़ा ना इस पर अमल करने की हिम्मत ताकत और तौफीक अता करे। अजीजों दुआ दुआ भी करते अपने गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए, हम आंखों के लिए मोहब्बत और भाईचारे के लिए, जबकि समय हमेशा हमारे गांव के तमाम खानदानों के साथ और अपनी बरकत और अहमद फसल से माफूर करें ताकि हमेशा अच्छाई को रिश्ते को बनाकर एक दूसरे का साथ देते हुए हमेशा खुदा के नाम को जलाल दें। अज़ीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पना ताकत तमाम शक्त से शख्स में तेरे गले से जो दुआएं बड़ी इज्जत और सत्कार के साथ मांगते हैं सुन भूल कर बख्शे उनका सरहम तक पहुँचे में से खुदा के वैसे हिस्से। Oh,
اے خدا ہمارے خدا، تیرے اکلوتے بیٹے نے کنواری سے پیدا ہو کر اپنی ماں کی سالمیت کو کم نہیں کیا بلکہ اسے برقرار رکھا، بخشے کہ اس کا انسان ہونا ہم انسانوں کی مدد کا باعث ہو، اور وہ ہمیں ہماری خطاؤں سے بری کر دے، ہمارے نذرانوں تیرے قبول کرنے کے لائق ٹھہرائے، اسی کی خاطر ہماری التجا سن جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سرمند رہتا ہے، آمین۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو، ہم خدا پر دھیان لگائے، ہم دھیان لگاتے ہیں، خدا اپنے خدا کا شکر ادا کریں، یہ واجب اور درست ہے، یہ واقعی واجب اور حق مناسبت و سوا کہ مقدسوں کی روحانی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیری تعظیم کرے، اور خاص کر مقدس مریم کنواری کی یاد میں شکر گزاری کے ساتھ اس کے شیر لفظوں میں تیری مہربانیوں کی تعریف کرے، تو نے تمام دنیا کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اپنی رحمت سب کچھ تو کے جاری کر رکھی ہے، کیونکہ تم نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی اور اسی کے ذریعے انسانی ذات کی نچار کا بالی بخشا، یعنی تیرا بیٹا ہمارا خدا یسوع مسیح جس کی مار پر فرشتوں کا لشکر تیرے حضور ہمیشہ شاد مان ہو کر تجھے عظیم خدا کو سجدہ کرتا ہے، ان کے ساتھ ہم بھی اپنی آواز بلند کر کے یہ کہتے ہوئے اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں، قدوس قدوس خدا من لشکروں کے خدا، آسمان اسی طرح سے کھانے کے بعد ہمیں تو پیالہ ملے گا، اس نے دوبارہ کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دے جاؤ کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور اپنی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ جو تمہارے لوگ کے بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری شاد میں یہ بخش دے کہ ہم اسی کا بدن اور خون لے کر روح کی جس کتاب
आशीष से आपस में बने। ऐ खुदा अपने क्रिश्चियन को याद करें और साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे सेबेस्टियन और अपने संपादकों को याद करें। रिगली से तमाम लोगों में फैली हुई है उसे काबल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाई और बहनों का विनाश करें जो जीव से उम्मीद रखते हुए सो गए, निज तमाम लोगों को याद कर उनका अपनी रोशन की बोल फरमा। हम तो समय न करते हम सफर हम करें ताकि खुदा को मुबारक और मौत का वारी बने। उसका नहायत बाप और हजरत यूसुफ मुबारक रसूल और उन सब का सुख साहब जो हाल में तेरे पास पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम तो सना कर सके। उसी के जरिए उसी के साथ उसे में तुझका दमुत्री को दबा दो रूह कुदस की बता दो कामिल इज्जत और ताजी मिशान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। Yeah.
खुदा कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। हम दुआ मांगे खुदा हमारे पिता, हम बादशाह पर लेकर हमेशा की निजात में शरीक होते हैं, तुझसे ही दुआ करते हैं कि हम तेरी बेटी की माँ को याद करते हुए तेरी फजल की कसरत की तारीफ कर सकें और लगातार निजात के साथ की तरक्की महसूस करें, उसे खुदा के वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे, आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, हमेशा खुशी और सलामती में रहे और उनका समय को एक कायम के लिए आप सब बहुत मुबारक हो। मां मरियम तेरी